नमस्कार मित्रों, आज हम आपके दिमाग से एक ऐसा पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे जो वर्षों से आपके दिमाग में बसा हुआ है या फिर कई लोग इसको लेकर के प्रश्न करते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर आपके मन में भी हो सकता है कि बहुत सारा भ्रम हो, बहुत सारा दुविधा हो। दरअसल हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं यादव वंश को लेकर के। जी हाँ, भारत में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो अपने नाम के आगे यादव लिखते हैं। तो इसमें सवाल ये उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का वंश जो है, यादव वंश जो था, वो महाभारत काल में ही समाप्त हो गया था, तो आखिरकार आज के जो यादव हैं वो कौन लोग हैं? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो आज के यादव हैं वो वास्तविक यादव हैं ही नहीं। उनका कहना यह है कि द्वापर युग में माता गांधारी ने जब भगवान श्री कृष्ण जी के वंश को यह श्राप दे दिया था, जिस प्रकार से मेरे वंश का आज विनाश हो रहा है, उसी प्रकार से कृष्ण तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी के वंश का विनाश हो गया था, तो आखिरकार आज के जो यादव हैं वो आखिर हैं कौन? इसी गुत्थी को समझने का प्रयास करेंगे और इसी रहस्यमय कथा को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमय कथा है। इसे जब आप समझेंगे, सुनेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि सच में ये जो यादव वंश है ये कौन लोग हैं और आज जो यादव रह रहे हैं हमारे और आपके बीच में, या फिर भारत में जो यादव लोग रह रहे हैं वो असल में हैं कौन। तो इस कथा को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा महाभारत में, यानी कि कह सकते हैं कि द्वापर युग में। कल्पना कीजिए कि हम द्वापर युग में पहुंच चुके हैं। मान लीजिए अभी अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। इधर महाभारत युद्ध में सारे कौरव पांडवों के द्वारा मारे गए हैं और धर्म की जो है जीत हो चुकी है, अधर्म का नाश हो चुका है। इधर माता गांधारी जब महाभारत के युद्ध स्थल में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके 100 पुत्र मारे गए हैं। ये सब देखकर उनके हृदय में बहुत पीड़ा होती है, उनको बहुत कष्ट पहुँचता है। तो उन्हें लगता है कि ये जितना भी नरसंहार हुआ है, ये जितनी भी मार काट हुई है, ये केवल और केवल वासुदेव कृष्ण के कारण हुई है। यही सभी पीड़ा लेकर के माता गांधारी जो है भगवान श्री कृष्ण जी के कक्ष में एक रात पहुंचती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हारे कारण ही आज मेरे पूरे वंश का विनाश हो गया। आज मेरा एक भी वंश नहीं बचा जो हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। इन सभी का कारण तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे वंश का आज नाश हो गया, इसी प्रकार से तुम्हारे वंश का भी एक दिन नाश हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारे वंश में कोई भी नहीं बचेगा जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। ये श्राप माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण जी को दिया और वो वहां से चली गई। इस बीच भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते उस श्राप को स्वीकार कर लिया। जैसे ये श्राप माता गांधारी ने दे दिया, तो इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि युधिष्ठिर जी महाराज को पद दे करके, यानी कि वहाँ का जो राज्य दे दिया, आप कह सकते हैं हस्तिनापुर का राजा बनवा दिया, और भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। इधर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारका में 30 वर्ष और राज किया और 30 वर्ष बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके कारण से पूरे यादव वंश का विनाश हो गया। दरअसल इसके पीछे भी एक रहस्यमय कथा है। द्वारका में ही भगवान श्री कृष्ण जी का एक पुत्र था, साम नाम का। ये साम जो था वो भगवान श्री कृष्ण जी और जामवंती का पुत्र था। जामवंती कौन थी? जामवंती जो है वो जामवंत की पुत्र थी। जामवंत कौन थे? जामवंत वही जामवंत थे जिन्होंने रामायण में भगवान श्री राम जी के साथ युद्ध किया था। लंका पर जब चढ़ाई भगवान ने की थी तो जामवंत जी ने उस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं की पुत्री थी जामवंती। दरअसल भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जामवंत जी जो है वो द्वापर युग तक जीवित रहेंगे। दरअसल ये भगवान श्री कृष्ण जी की तीसरी पत्नी थी। इन्हीं दोनों का पुत्र था सांब। सांब दरअसल द्वारका का एक ऐसा राजकुमार हुआ जो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं था। कह सकते हैं कि उसका जो विचारधारा था वो सभी से भिन्न था। मांस मदिरा का सेवन करना, स्त्रियों का सम्मान ना करना, बड़े बुजुर्गों से सीधे मुंह बात ना करना, ये सभी आदतें जो थी वो साम में थी। साम कहीं ना कहीं द्वारका का एक ऐसा राजकुमार हुआ जो सभी से भिन्न, आप कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी से वो बिल्कुल भिन्न था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी और साम की नहीं बनती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी सदा से सभी को सही मार्ग पर चलना सिखाते थे, सही कार्य करना ही सिखाते थे, और साम जो था वो हमेशा उल्टे काम किया करता था, उल्टे मार्ग पर चला करता था। यानी कि जो बात भगवान श्री कृष्ण जी बताया करते थे ठीक उसके विपरीत वो काम किया करता था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी और साम के बीच में नहीं बनती थी। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार जो यादव वंश का नाश था वो हुआ कैसे? दरअसल माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण जी और उनके परिवार का विनाश होने का श्राप दिया था, ना कि पूरे यादव वंश को उन्होंने कहा था कि उनका विनाश हो जाएगा।
तो इसके पीछे भी एक कथा है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण जी के वंश का विनाश हुआ कैसे। इसके पीछे भी एक रहस्यमय कथा है। उन दिनों क्या हुआ करता था कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी मिलने के लिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि आया करते थे। तो इसी दौरान एक दिन क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारका को पहुंचे, जैसे ही ये बात साम और उसके मित्रों को पता चली तो साम ने एक योजना बनाई कि चलो आज दुर्वासा ऋषि के ही मजे लेंगे। और उन्होंने योजना बना करके कहा कि चलो दुर्वासा ऋषि से एक उपहास करते हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि के साथ एक भद्दा मजाक करते हैं। तो इसी योजना के तहत इन्होंने क्या किया कि सामने एक स्त्री का वेश बनाया, उसने साड़ी वगैरह पहन लिया, अपने पेट में कुछ लगा लिया और दुर्वासा ऋषि के सामने ये और इसके मित्र पहुंच गए। पहुंचते ही साम ऋषि से कहता है कि हे महामुनि, मैं एक स्त्री हूँ और मैं गर्भ से हूँ, आप बताइए कि इस गर्भ से किसका जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा या फिर लड़के का जन्म होगा। अब चूंकि दुर्वासा ऋषि तो महामुनि थे, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपने शक्ति का उपयोग किया और देख लिया कि सांब कोई स्त्री नहीं, एक पुरुष है और ये मेरे साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है। तो ऋषि को समझ में आया कि चलो ये बालक है। तो ऋषि ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, कई बार उसे कहा कि तुम ये भद्दा मजाक मेरे साथ मत करो, परंतु सांब जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और ऋषि को छेड़ने लगा, बार बार उन्हें तंग करने लगा। तब ऋषि क्रोध में आकर के बोले कि तू एक स्त्री नहीं, तू एक पुरुष है और तूने मेरे साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है, बहुत भद्दा मजाक किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7 दिनों बाद तेरे ही गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा और यही मूसल तेरे और तेरे परिवार के विनाश का कारण बनेगी। कई शास्त्रों में लिखा भी हुआ है कि ऋषि ने श्राप देते हुए कहा कि मूसलम कुल नाशनम, यानी कि मूसल ही तेरे परिवार के नाश का कारण बनेगा। तो मूसल होता क्या है, हमें यह समझना होगा कि मूसल आखिरकार कैसा दिखता है। तो यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि यही मूसल है। मूसल दरअसल वो चीज़ होता है कि आपने घरों में आमतौर पर देखा होगा, एक इमाम दस्ता होता है जिसमें हम कुछ कूटते हैं, तो कूटने वाली जो सामग्री होता है, कह सकते हैं जिससे कूटा जाता है, उसे ही इमाम दस्ता कहा जाता है, उसे ही पौराणिक काल में या पौराणिक भाषा में मूसल कहा जाता है। तो ऋषि ने यही श्राप दिया कि सांब के गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा, वही मूसल जो है उसके और उसके परिवार के विनाश का कारण बनेगी, या यूं कह सकते हैं कि यादव वंश के नाश का कारण बनेगी। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी को पता चली तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक सभा बैठाई। सभा में चर्चा हुई कि आखिरकार अब इस श्राप को टाला कैसे जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्राप तो दुर्वासा ऋषि ने दिए हैं, श्राप को टालना असंभव है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने जिस जिसको भी श्राप दिया था वो श्राप फलित अवश्य हुआ था। दरअसल दुर्वासा ऋषि के संबंध में कहा जाता है कि बहुत ही बड़े महामुनि थे, त्रिकालदर्शी थे, वो जितने बड़े महात्मा थे, जितने बड़े ज्ञानी थे, उतने ही क्रोधी स्वभाव के थे। उनके विषय में इतना तक कहा जाता है कि वो भगवान के अवतार थे। यदि हम देखें तो शास्त्रों में देखने को मिलता है कि वो भगवान शिव के ही अवतार थे, यानी कि कह सकते हैं कि वो शिवांश थे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कई जो ऋषि मुनि होते हैं वो भगवान के अंशावतार होते हैं, उसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि जो थे वो भगवान शिव के ही अंशावतार थे। इसीलिए उनके पास इतना तपोबल था, इसीलिए वो जिनको भी श्राप देते थे वो फलित अवश्य हो जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने जिन जिनको श्राप दिया है वो फलित अवश्य हुआ है, परंतु बलराम जी कहते हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने वंश के का नाश होते हुए नहीं देख सकता और मैं इसको लेकर कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा। तो बलराम जी इस सभा से बाहर निकलते हैं और साम के पास पहुंचते हैं और साम से मंत्रणा करते हुए वो उसे बहुत फटकार लगाते हैं और फिर एक निर्णय लिया जाता है कि द्वारका में मदिरा पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। बलराम जी जो है कह सकते हैं कि बलराम जी मदिरा पर द्वारका में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देते हैं। इधर दुर्वासा ऋषि भी क्रोधित होकर द्वारका से चले जाते हैं। 7 दिनों बाद आखिरकार उस मूसल का जन्म हो ही जाता है। जैसे ही बलराम जी को पता चलता है कि उस मूसल का जन्म हो गया है तो बलराम जी दौड़ करके आते हैं और उस मूसल को लेते हैं। उस मूसल को लेकर के बलराम जी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस मूसल को पिसवा करके इसका चूरा बनवा दो और चूरा बनवा करके समुन्द्र में फेंक दो। जैसे ही बलराम जी अपने सैनिकों को ये आदेश देते हैं तो उनके सैनिक भी ऐसा ही करते हैं, उस मूसल का चूरन बनवा दिया जाता है और चूरन बनवा करके समुन्द्र में फेंकवा दिया जाता है। तो सभी लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि यह कार्य कर देने के बाद यह जो श्राप है उससे मुक्ति मिल गई और सभी लोग बड़ी आनंद से अपने जीवन को जीने लगते हैं। इधर समय धीरे धीरे बीतने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद साम और उसके मित्र एक दिन एकत्रित होते हैं। तो साम का एक मित्र कहता है कि मित्र, बड़ा सूखा सूखा सा समय जा रहा है, यदि मदिरा का व्यवस्था हो जाता तो आनंद आ जाता, श्राप वगैरह तो वैसे ही खत्म हो चुका है,
तो कहीं ना कहीं मदिरा का यदि बंदोबस्त हो जाए तो आनंद ही आ जाए। तो साम कहता है कि मेरे जो ज्येष्ठ पिता बलराम हैं, उन्होंने द्वारका में जो है मदिरा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, यदि आप लोग कहीं से व्यवस्था करवा दें तो अति उत्तम हो जाएगा। तो उसका एक मित्र कहता है कि मित्र चिंता ना करो, मेरे पास के पड़ोसी राज्य में मदिरा अवश्य मिल जाएगा, तुम चिंता ना करो, मैं अति शीघ्र मदिरा का बंदोबस्त कराता हूँ। कुछ देर बाद उसका मित्र मदिरा ले आता है और इधर सांब और उसके मित्र जो है आनंद से मदिरा का सेवन करने लगते हैं। इसी बीच क्या होता है कि मदिरा पीते पीते उनके बीच कहासुनी होने लगती है। ये कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक बात उतर आती है। तभी वहां पर सांब की पत्नी आधमकती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप मदिरा क्यों पी रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारे कुल का नाश होते होते बचा है और इसका कारण ये मदिरा ही रहा है, आखिर आप ये मदिरा क्यों पी रहे हैं। तो सांब अपनी पत्नी को देखकर भड़क उठता है, कहता है कि यहाँ पर स्त्रियों का स्थान नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी सभा में आने के लिए, तुम अति शीघ्र यहाँ से निकल जाओ। ये सब कहते हुए सांब अपनी पत्नी को वहाँ से भगा देता है। उसकी पत्नी रोते रोते जो है रास्ते में जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात बलराम जी से हो जाती है। बलराम जी रोने का कारण पूछते हैं तो सांब की पत्नी सारी सच्चाई बता देती है। जब बलराम जी इसकी सच्चाई सुनते हैं तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो बलराम जी दौड़ते दौड़ते सांब और उसके मित्रों के पास पहुंचते हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु सांब और उसके मित्र मदिरा पीने से नहीं रुकते हैं और लगातार वो मदिरा पीते रहते हैं। जैसे ही ये बात भगवान श्री कृष्ण जी को पता चलती है तो वो भी दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको इस बात की चिंता रहती है कि कहीं क्रोध में आकर के बलराम जी कुछ अनर्थ ना कर बैठे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी भी सांब और उसके मित्रों के पास पहुंच जाते हैं। अब दोनों उनको समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु सांब और उसके मित्र भड़क जाते हैं और वो उनकी एक नहीं सुनते हैं, वो लोग मदिरा पीते रहते हैं। इन दोनों में कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद एक भयंकर युद्ध होने लगता है। इधर सांब और उसके मित्र निकल करके समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी भी और बलराम जी भी समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। दरअसल समुद्र के किनारे जैसे ही वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहीं पर एक घास जमी हुई है। दरअसल ये वही घास थी जो मूसल को पीस करके समुद्र के किनारे फेंकवा दिया गया था, उसी के स्थान पर यह घास उग आई थी। दरअसल इस घास को शास्त्रों में एलका नामक घास बताई गई है और ये घास तलवार का काम करने लगी। दरअसल दोनों पक्षों में जब भयंकर युद्ध होने लगा तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर वही घास उखाड़ कर मारने लगे, वही घास उखाड़ करके शस्त्र की भांति प्रयोग करने लगे। जब धीरे धीरे युद्ध बढ़ने लगा तो द्वारका की जो आम जनता थी वो भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गई और दोनों ओर से युद्ध चलने लगा। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण जी के पक्ष में हो गए और कुछ लोग सांब और उसके मित्र के पक्ष में हो गए। ये वो लोग थे जो सांब के प्रवृत्ति के लोग थे, यानी कि जो लोग मदिरा का सेवन करते थे, जो लोग मांस भक्षण करते थे, जो लोग सांब के प्रवृत्ति के थे वही लोग सांब के पक्ष में चले गए। युद्ध कई दिन तक चलता रहा। बाद में भयंकर युद्ध के बाद सारे यादव वंश का समूल नाश हो गया और अंत में केवल 3 लोग ही बचे, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान बलराम जी और उनका एक सहयोगी। केवल 3 लोग ही इस भयंकर युद्ध में बचे। जब 3 लोग बचे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि यहाँ पर जो सारे यादव वंश के पुरुष थे वो मारे गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने उस तीसरे मित्र से मंत्रणा की और कहा कि तुम अति शीघ्र हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना कह सुनाओ और अर्जुन को तत्काल प्रभाव से यहाँ लेकर के आओ, ताकि वो हमारी स्त्रियों को हस्तिनापुर लेकर के जाए। यदि वो हमारी स्त्रियों को हस्तिनापुर लेकर के जाएगा तो हमारी स्त्रियां जो है सुरक्षित हो जाएंगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने उस तीसरे साथी को विदा कर दिया। इधर जैसे ही उनका तीसरा साथी हस्तिनापुर को गया तो भगवान बलराम जी अपने देह त्याग के लिए समुद्र की ओर चले गए। दरअसल भगवान बलराम जी के विषय में कहा जाता था कि वो शेषनाग के अवतार थे, तो भगवान बलराम जी कहा जाता है कि वहीं समुद्र में उन्होंने एक नाग का रूप लिया और वहीं एक बड़े बिल में समाहित हो गए। इधर जैसे ही भगवान बलराम जी ने अपने देह का त्याग कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण जी भी अपने देह त्याग के लिए पास के ही एक वन में जा करके लेट गए। दरअसल वहां पर घनघोर वन था और आसपास कोई भी बस्ती नहीं थी। तभी एक बहेलिया आता है, तभी एक भील आता है और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को देख करके उसे लगता है कि कोई मृग का मुख हो, किसी हिरण का मुख हो, वह समझ करके वह एक बाण चला देता है। दरअसल उस बहेलिए ने अपने बाण के आगे विष लगा दिया था। जैसे ही वो बाण चलाता है तो वो बाण जा करके भगवान श्री कृष्ण जी के पग में लग जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी के पग में जैसे ही वो बाण लगता है तो भगवान श्री कृष्ण जी भी अपने देह का त्याग कर देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो बहेलिया था कौन? कोई सामान्य बहेलिया तो होगा नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति तो भगवान
कि ये मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। दरअसल ये बहेलिया बाली था, पिछले जन्म में भगवान राम जी ने इसे पेड़ के पीछे से छुप करके मार दिया था। ये वही बाली था जिसने रावण को 6 महीने तक अपनी जंघाओं पर दबा करके रखा था। ये बाली बहुत ही बलशाली था और इसे आशीर्वाद प्राप्त था कि इसके सामने से आकर कोई भी इसकी हत्या नहीं कर सकता था। यही कारण था कि भगवान राम जी ने इसको पेड़ के पीछे से छुप करके मारा था। जैसे ही भगवान राम जी ने बाली का वध कर दिया था तो ये सब देखकर बाली की जो पत्नी तारा थी वो बहुत व्यथित हो गई और उसने भगवान राम जी को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार से आपने मेरे पति की हत्या की है उसी प्रकार से अगले जन्म में भी आपको मरना पड़ेगा या फिर आपकी मृत्यु होगी और आपकी मृत्यु का कारण मेरे ही पति होंगे। मेरे ही पति अगले जन्म में किसी न किसी रूप में आएंगे और आपके मृत्यु का कारण बनेंगे। तो ये श्राप भगवान राम जी ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया क्योंकि भगवान राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही दयालु थे। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, भगवान राम जी सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कोई भी भक्त भगवान श्री कृष्ण जी या भगवान राम जी के दरबार में आज तक खाली नहीं लौटा है। इसीलिए भगवान राम जी ने वो जो श्राप था वो हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। तो वो वही बाली था जिसे पिछले जन्म में भगवान राम जी ने मार दिया था, इस जन्म में वो एक भील का रूप लेकर के आया था। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी और उस भील के बीच में कुछ संवाद होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी एक ज्योति रूप में गायब हो जाते हैं। इधर अर्जुन आते हैं और द्वारका की जितनी भी स्त्रियां थी उनको हस्तिनापुर लेकर के चले जाते हैं और फिर यदुवंश आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात भगवान के अवतार थे, साक्षात नारायण के अवतार थे, वो भगवान थे, तो आखिरकार उन्होंने अपने वंश का नाश होने से बचाया क्यों नहीं? आपके मन में भी संभवतः यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर भगवान ने अपने वंश का रक्षा क्यों नहीं किया। तो दरअसल बात यह है कि भगवान जानते थे कि ये द्वापर युग का अंत चल रहा है और कलयुग आने ही वाला है। तो कलयुग में यदि ये लोग चले गए तो कलयुग के लोगों को ये जीने नहीं देंगे और इनका दबदबा हो जाएगा और कलयुग के लोग के जितने भी अधिकार होंगे इनका ये हनन कर लेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यदि यदुवंश के लोग कलयुग में चले गए तो कलयुग उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से कलयुग होना चाहिए और कलयुग में जो लोग होंगे उनमें और इन लोगों में द्वंद्व पैदा होगा। इसीलिए भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने वंश को नहीं बचाया। हम यहाँ पर वस्त्र का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आप कोई वस्त्र लेकर के आते हैं और लगातार उसे पहनते हैं और जब वह वस्त्र पुराना हो जाए, फट जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप वो वस्त्र नहीं पहनेंगे, आप वह वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र ले आएंगे। उसी प्रकार से जब एक पुराने युग का अंत हो रहा होता है और जब एक नया युग आने को होता है तो पुराने जो लोग होते हैं उस नए युग में नहीं जा सकते। तो इसीलिए भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने वंश को नहीं बचाया। और दूसरी ओर यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण जी के जो वंश के लोग थे वो गलत मार्ग की ओर भी चले गए थे, जैसे मदिरा पान करने लगे थे, मांस इत्यादि भक्षण करने लगे थे, बड़ों का सम्मान नहीं करते थे, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते थे और ऋषि मुनियों का भी सम्मान नहीं करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, आपस में झगड़ते रहते थे, अहंकार हो गया था उनके भीतर यदुवंश का। इसीलिए भी भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यदि ये लोग रहे तो निश्चित रूप से कलयुग का अंत कर देंगे। इसीलिए भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने वंश की रक्षा नहीं की और उन्हें युद्ध के माध्यम से समाप्त कर दिया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने और भगवान बलराम जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने अपने धाम को चले गए। तो ये थी वो कथा जिसके माध्यम से हमने समझा कि यदुवंश का नाश नहीं हुआ था। माता गांधारी ने श्राप पूरे यदुवंश को नहीं दिया था, केवल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी और उनके वंश को यह श्राप दिया था कि उनके वंश का नाश हो जाएगा। असल द्वारका में यदुवंश के बहुत से लोग पहले से ही रहते थे। कहा जाता है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण जी का ननिहाल भी था, यानी कि वासुदेव जी पहले वहां रहते थे, जब उनका विवाह हुआ था तब वो द्वारका आए थे। तो पूरे यदुवंश का नाश नहीं हुआ था, केवल भगवान श्री कृष्ण जी और उनके वंश का नाश हुआ था। तो आज के जो यादव हैं, जो लोग अपने नाम के आगे यादव लगाते हैं, आपने समझ लिया होगा इस कथा के माध्यम से कि दरअसल वो कौन लोग हैं और आखिर वो अपने नाम के आगे यादव लगाते क्यों हैं। तो आशा करता हूं कि ये कथा आपको समझ में आई होगी और यादव वंश का जो रहस्य है, यादव वंश को लेकर के जो टिप्पणियां या फिर जो प्रश्न या फिर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, कई लोग इस पर प्रश्न खड़ा करते हैं, कई लोग इसको लेकर भ्रम भी फैलाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा इस कथा के माध्यम से। आपके मन में जो भी दुविधा थी वो दूर हो गई होगी और स्पष्टता आ गई होगी कि यदुवंश के लोग आज जो हैं वो कौन हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह जो महत्वपूर्ण कथा है या जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी तक पहुँचे। हम जुड़ते हैं आपसे अतिशीघ्र किसी नई कथा के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक भजन करते रहिए, सेवा का काम करते रहिए। धन्यवाद।